गठबंधन हुआ है उसका असर पड़ रहा है जनता पर? कोई असर नहीं पड़ा, कोई कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। आना तो उन्हीं को है, मोदी जी को आना है, बाकी दूसरा कोई आ भी नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं लोगों से कि जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। केजरीवाल भी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा, वो हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहे, आज वो उन्हीं के साथ हैं। और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे पे आप उनको क्या कहोगे? कहीं ना कहीं डिग्निटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना, और समाज के विकास के लिए करे कार्य। ये तो राजनीति ना होके ये लोग तो अलग तरीके से अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं, वो राजनीति थोड़ी है। राजनीति तो केवल पब्लिक की भलाई का काम होता है। लड़ेंगे तो इसलिए नहीं ना कि उनको पता है कि बीजेपी अब काफी अच्छे लेवल पे जा रही है इस गठबंधन से। जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी और मजबूत होएगी, कमजोर नहीं होएगी। हमेशा से केजरीवाल ने कांग्रेस का विरोध किया था जब वो सत्ता में नहीं थे और जब वो अपना आने वाले थे तब से। अब वो उसी कांग्रेस के साथ आ गए हैं, इसका कारण क्या आपको लगता है? उसका सबसे बड़ा कारण है सत्ता, कुर्सी का लालच, चाहे समाजवादी हो, छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, एंड ऑफ द डे इनको अपना साम्राज्य चलाना है। और रजवाड़े जैसे पहले हुआ करते थे आज़ादी से पहले, जो पटेल जी ने ख़त्म करा वो फिर दोबारा से हैं। अपने अपनी पार्टियों के रजवाड़े चलाओ और सब, उन्हें कोई सरोकार नहीं है पब्लिक से, कोई वेलफेयर के लिए सरोकार नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वो जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि पहले जिस कांग्रेस का वो विरोध करते थे आज उनके साथ आ गए, तो अब वो तीन राज्यों में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं? हाँ, तो चुनाव मैंने कहा ना, चुनाव ना लड़ना और साथ में आना, सबको यही है कि सेटिंग करो इंटरनली और सामने वाले को डेट डाउन करो, बस इनकी वही टारगेट है कि सब लोग एकजुट होने कर ही हम फ्रंट फेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो वोट डिवाइड होता है। क्योंकि कुछ जो भी काटेंगे वो कांग्रेस, अगर मध्य प्रदेश में अगर इलेक्शन लड़ते हैं वो केजरीवाल जी, तो एंड ऑफ द डे वोट किसका काटेंगे? वो कांग्रेस का काटेंगे, कांग्रेस का काटेंगे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। तो सब एकजुट एक फेस पर ला करके बीजेपी से को टारगेट करने वाली बात है और कोई बात नहीं। जो गठबंधन हुआ है उसका असर पड़ रहा है जनता पर? कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। आना तो उन्हीं को है, मोदी जी को आना है, बाकी दूसरा कोई आ भी नहीं पाएगा। तो भाई केजरीवाल जी, लोगों की राय आपने सुनी ही, उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है जनता में, और साथ ही साथ अब जो आप तीन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उस पे भी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वो आपने भी जानी होगी।